नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 के बारे में और उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। फर्स्ट में है हमारा B1.12 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी दिए गए क्वेश्चंस का संक्षिप्त में आंसर देना है। तो पहला नंबर सवाल हमारा है कि व्हाट डज SMS फॉर स्टैंड फॉर, यानी SMS का अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा SMS stands for short messaging service, यानी SMS का अर्थ short messaging service होता है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया हमारा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज इट कंसीव्ड, इसका इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा इट वॉज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी यह मोबाइल कम्युनिकेशन के ग्लोबल सिस्टम के पार्ट के रूप में कंसीव्ड करता है। तो इस 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इसी प्रकार से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर करना है और आप सभी को मैं बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है, व्हाट एबिलिटी डज इट हैव, इसके पास क्या क्षमता है, यानी यह किस प्रकार का इसके पास क्षमता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे इट इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज एट अ मोबाइल फोन, यानी इसका क्षमता है कि मोबाइल में किसी चीज़ को सेंड करना, जस्ट लाइक टेक्स्ट मैसेजेस और फिर रिसीव करना, यानी इसके पास ये क्षमता है कि किसी मोबाइल से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाउ आर मैसेजेज सेंड एंड रूटेड, यानी मैसेज को कैसे सेंड किया जाता है और क्या उसके लिए कोई भीड़ भड़ाका ऐसा कुछ होता है। रूटेड मिस हो गया कि आपका कोई भी ऐसा शोरगुल वगैरह, उसके लिए कुछ ऐसा कोई नियम कानून है या कुछ रूटेड कैसे किया गया, उसके लिए कोई ट्रैफिक सिग्नल वगैरह है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा मैसेजेज आर नॉट सेंड डायरेक्टली, यानी मैसेज जो होता है हम किसी के पास भेज रहे हैं तो डायरेक्टली नहीं जाता है, फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, यानी जो भेजता है और जिसके पास जाता है तो डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, बट आर रूटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, यानी यह जाता है सबसे पहले शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर में, उसके बाद वहां से निकल करके रिसीवर के पास पहुंचता है। मतलब यह हुआ सीधी सी बात कि अगर हम किसी के पास SMS करते हैं तो वह SMS सर्विस सेंटर के पास जाता है, वहाँ से जाकर के रिसीवर के पास पहुँचता है। तो सीधी सी बात हो गई कि मतलब ये जो SMS का झंझट है, जो भी हम किसी के पास अगर भेजते हैं तो डायरेक्टली नहीं, वह इनडायरेक्टली पहुँचता है। तो इस क्वेश्चन का हो गया आंसर हमारा, मैसेज आर नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर बट आर रूटेड थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। चलिए तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में कुछ आया होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट इंश्योर दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ द इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया। तो मतलब कैसे हम लोग इंश्योर हो जाएंगे कि जब मैसेज को डिलीवर करते हैं, भेजते हैं, तो डायरेक्टली डेस्टिनेशन मोबाइल के पास पहुंच जाए, इवन इफ़ यदि
इट इज़ स्विच्ड ऑफ, अगर मोबाइल ऑफ हो या फिर कवरेज एरिया से बाहर हो तब क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं और उसका आप आपको समझाने उसको समझाने का आपको कोशिश भी करेंगे। ये जो भी है तो किस कारण से होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर यानी SMSC इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। यानी जब भी हम लोग किसी मैसेज को भेजते हैं तो हमारे यहाँ से तो डिलीवर्ड हो जाता है, लेकिन रिसीवर के पास कब पहुँचता है, जब वह अपना मोबाइल ऑन करे या फिर कवरेज एरिया के यानी नेटवर्क क्षेत्र के अंदर रहे तभी जाता है। इसका आंसर यही होगा। और इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज SMSC स्टैंड फॉर, यानी SMSC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर भी कर लेते हैं आप लोग, और आप लोग भी इसे ध्यान से देखिए। पिछले सवाल में इसके कई बार चर्चा भी कर दिया हूँ मैंने। SMSC स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, यानी आप लोगों को पिछले ही सवाल में बताया है कि जो भी हम लोग मैसेज भेजते हैं तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर के पास मैसेज जा कर के रुक जाता है। बस यही हो गया SMSC का फुल फॉर्म, यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा बहुत ही आसान है, एक लाइन में इसका उत्तर हो गया। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इट्स फंक्शन, यानी वो SMS है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, उसका फंक्शन क्या है, वह कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं कि SMSC कैसे काम। आंसर हो जाएगा SMSC स्टोरेज द मैसेज, ये मैसेज को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है, एंड फॉरवर्ड्स इट और उसे फॉरवर्ड करता है, व्हेन द मोबाइल इज स्विच ऑन, जब मोबाइल ऑन होता है, एंड इंटर द नेटवर्क, जब भी वह नेटवर्क उसमें इंटर करता है। यानी हम लोग जब भी मैसेज किसी के पास कर देते हैं तो उस समय शो नहीं करता, जब जैसे वो अपना मोबाइल ऑन करे और उसमें नेटवर्क है तब मैसेज इंटर करना स्टार्ट हो जाता है, यही इसका अर्थ हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन व्हाट अकाउंट मे बी डिलीवरी ऑफ अ मैसेज बी डिले, मतलब किस कंडीशन में, यानी किस खाते में, मतलब वह डिले कर जाता है, मैसेज जो होता है मे बी डिले हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, आंसर है द डिलीवरी ऑफ मैसेजेस मे बी डिलेड, मतलब मैसेज डिले हो जाता है ड्यू टू कंजंक्शन यानी कंजेशन, यानी कुछ ऐसी मतलब संकुशलता के कारण यह डिले हो सकता है, जैसे कि आपका मोबाइल ऑफ हो या फिर आउट ऑफ कवरेज एरिया हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपके जो SMS होता है कभी कभी डिले हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा द डिलीवरी ऑफ मैसेज मे बी डिले ड्यू टू कंजेशन। इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो इस सवाल का अगला क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम लोग डीपली देखते हैं और उसमें क्या है उसके बारे में उसका आंसर क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, और क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है व्हाट इज ब्यूटी ऑफ SMS, यानी SMS से क्या मतलब हमें फ़ायदा होता है, उसकी क्या खूबसूरती है, उसके बारे में देखेंगे। तो SMS अगर हमारे पास मतलब किसी चीज़ का SMS आता है तो उससे हमको क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा होता है, तो उसी की खूबसूरती और उसके बारे में इस क्वेश्चन का कहना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, द ब्यूटी ऑफ SMS
is that message can be sent and received even while making voice call. यानी इसकी खूबसूरती यही है कि आप मतलब बाय द वे कहीं किसी को SMS करते हैं या रिसीव करते हैं तो उस समय भी कर सकते हैं जब आप मतलब किसी से वॉइस कॉल में टच में हो या आप किसी से वॉइस कॉल में बात करते रह रहे हो, उस समय भी आप में यह SMS आ जाएगी। यही आपसे आपकी सुविधाएं हैं। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ अ वॉइस कॉल, यानी वॉइस कॉल क्या है। तो इसके पहले हम लोग जाने कि वॉइस मैसेज आ जाता है और वॉइस कॉल क्या है, तो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, अ वॉइस कॉल इज अ कॉल बाय द सेंडर इन हिज वॉइस। मतलब वॉइस कॉल है कि कोई उधर से जो मतलब व्यक्ति है वो अपने आवाज़ को भेजता है, यानी विच टेक्स ओवर डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ अ कॉल। मतलब रेडियो चैनल के थ्रू मतलब ये सब जो भी वॉइस कॉल कनेक्ट होता है इसका एक चैनल होता है जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट होते हैं और उसके वॉइस को आसानी से किसी मतलब किसी दूसरे के वॉइस को किसी दूसरे के वॉइस के पास आसानी से भेजा जाता है और इसी प्रकार से यह कम्युनिकेट करता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम SMS। मतलब यह SMS से किस प्रकार भिन्न है, मतलब इसमें और SMS में क्या विभिन्नता है, इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, अ वॉइस कॉल टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल। यानी ये वॉइस कॉल जो होता है समर्पित करता है रेडियो चैनल के ऊपर से एंड अ कॉल, वहीं SMS स्टैंड ओवर द एबव द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नल पाथ। लेकिन SMS का जो होता है SMS का एक सिग्नल पाथ होता है, जैसे हम आप लोग को बताएं शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर जो है वहाँ पे एक मतलब उसका सिग्नल पाथ है कि आप किसी को SMS करते हैं तो सबसे पहले उस सेंटर के पास जाएगा, उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो उसके बाद से रिसीवर के पास होगा। तो इस यही फ़र्क है दोनों में कि ये जो होता है वॉइस कॉल होता है टेक्स ओवर डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द कॉल एंड SMS ट्रैवल ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नलिंग पाथ। इसीलिए आज के सेशन का ये हमारा लास्ट वीडियो था, इसीलिए आप सभी को थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप लोग को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।